मेरे पास इस जगह में करीब 70 टन ताजे टोटियाज बाहर जाने के लिए तैयार हैं और इनकी बाहर इतनी मांग है कि इनमें से कल यहाँ कोई भी नहीं दिखेगा। जरा सोचिए, यहाँ मिशन टोटियाज डैलस में हर रोज इतने टोटियाज बनते हैं कि अगर इन्हें एक लाइन में बिछा दिया जाए तो ये मुंबई से दिल्ली की दूरी 3 बार तय कर लेंगे। पर अब फिश टैकोस के साथ खाए जाने वाले ये मकई के बने टोटियाज बहुत अलग हैं। हरमान शारिस के बचपन में इन्हें बनाने का तरीका कुछ और ही था। मैं अपनी माँ और नानी की टोटियाज बनाने में मदद करता था, तभी हाथों से बनाए जाते थे और फिर इन्हें एक एक करके प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता था। अच्छा, ये वाले ज्यादा अच्छे हैं या नानी के बनाए हुए अच्छे थे? नानी के हाथों के बनाए टोटियाज का कोई जवाब नहीं। मेरा बचपन हमेशा मकई के बने टोटियाज खाकर गुजरा है। हम हिस्पैनिक लोग ज्यादातर मकई के बने हुए टोटियाज ही खाते हैं और एंग्लो लोगों को मैदे से बने टोटियाज ज्यादा पसंद हैं। और यहाँ मिशन में ये बेहिसाब बनते हैं। टोटियाज सबसे पहले 10,000 BC में बनना शुरू हुए थे और जैसा कि पहले होता था, इन मकई के टोटियाज को बनाने के लिए हमें बहुत सारा आटा और पानी चाहिए होता है। तो ये चारों लाइनें हमेशा मकई के टोटियाज ही बनाती हैं? हाँ, क्योंकि मकई के टोटियाज की ज्यादा मांग है। एक बार मिक्सर में जाने के बाद इन मकई के टोटियाज को इन रोलर्स में गोल आकार में काट लिया जाता है और फिर इन्हें सेकने के लिए चूल्हे में डाल दिया जाता है, जिससे इनके अंदर का सारा पानी निकल जाता है और ये फूल जाते हैं। तो क्या एक अच्छे टोटिया का फूलना जरूरी होता है? हाँ बिल्कुल, जब आप इन्हें घर पर फिर से गर्म करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये थोड़े से फूल जाएं, तभी खाने में मजा आता है। ये अभी अभी चूल्हे से निकले हैं और ये हल्के से फूले हुए हैं और बहुत गर्म भी हैं। लाजवाब हैं। एक मशीन इनका ढेर बनाती है और फिर ये बैग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ इन औरतों का काम सबसे मुश्किल है और वो है, जैसी टोटियाज इनके पास आए उन्हें जल्दी से बैग में डाल दो। टोटियाज बनते तो बहुत जल्दी है लेकिन उन्हें बैग में डालने के लिए सिर्फ 2 ही लोग हैं। क्या मैं कोशिश करूं? इस चुनौती का सामना करने से पहले मुझे अपने हाथ फिर से साफ कर लेने चाहिए, क्योंकि सफाई रखनी चाहिए। अरे वाह, ओह ओह, और आ गए। इस वाले को अलग रख देता हूँ। कितने सारे हैं, मैं कैसे करूं? मुझे लगता है मैं इनके काम में रुकावट बन रहा हूँ, तो यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। आप लोग मेरे काम से खुश नहीं है ना? ये काफी नरम, गर्म और मुलायम है। ये अभी भी बन के आए हैं। ये लीजिए, एक पैकेट तो तैयार कर ही लिया। ये मेरी गलती से हुआ है। I'm so sorry। तो ये रहे हमारे ताजे बने टोटियाज। हमने अपना मेन कोर्स बना लिया है और वो है फिश टैकोस और टोटियाज। चूंकि मेन कोर्स बन गया है तो अब वक्त आ गया है हमारी साइड डिशेस बनाने का। उसके लिए फ्रिजोलेस से बढ़िया और क्या हो सकता है।